प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस मेजोरिटी में आ जाता है। क्या आ जाता है? कांग्रेस मेजोरिटी है। कांग्रेस जब मेजोरिटी में आता है, तीन प्रोविंसेस के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। कौन सी गवर्नमेंट बनती है बेटा? कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब ये है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स मिलकर रूल करेंगे। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, ये बात समझना। कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है दोनों मिलकर रूल करेंगे। सेक्शन 3 जिस जिस बच्चे ने स्कूल में पढ़ा होगा, उसने जब बेनजीर और वो पढ़ा होगा कि एमक्यूएम के पीपल्स पार्टी एंड एमक्यूएम की कोएलिशन गवर्नमेंट थी। अब आधे से ज्यादा बच्चों को कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब ही नहीं पता होता। भैया कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों मिलकर रूल करेंगे। क्या करेंगे? मिलकर रूल करेंगे। पांच प्रोविंसेस के अंदर कांग्रेस मेजोरिटी में था, अपनी मर्जी चला रहे हैं। तीन प्रोविंसेस के अंदर कोएलिशन गवर्नमेंट थी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स दोनों रूल कर रहे हैं। और तीन प्रोविंसेस क्या थे? ऐसे टोटल 11 प्रोविंसेस थे ना। मुसलमान हार गए, मुसलमान हार गए। पेपर में सवाल आ सकते हैं, व्हाई मुस्लिम्स लॉस्ट द इलेक्शंस ऑफ 1936 एंड 1937? तो आप क्या बोलोगे? इट वाज द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ एआईएमएल। ये पहला इलेक्शन था एआईएमएल का, तो इसकी वजह से वो लोग हार गए। सर क्यों हार गए? बेटा इसलिए हार गए क्योंकि उनका पहला इलेक्शन था। अब आप ये नहीं बोलना बेटा कि सर हम भी पेपर में फेल होकर आएंगे क्योंकि हमारा पहला पेपर है। अल्लाह ना करे आप लोग फेल हो, लेकिन माशाल्लाह जिस तरीके से पढ़ रहे हो तो मुझे उम्मीद लग रही है कि एक दो बच्चे तो फेल होने वाले। तो हमारे पास क्या, आप ये बताओगे कि इट वाज द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ एआईएमएल, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। कांग्रेस एक पुरानी पार्टी थी, कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस ज्यादा था, दैट्स व्हाई दे वर एबल टू विन द इलेक्शंस। दूसरा आप ये बताओगे पब्लिक सपोर्ट हमारा कम था। क्यों कम था बेटा? क्योंकि हम 1906 में बने हैं, हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमान ऑलरेडी माइनॉरिटी में थे, तो पब्लिक सपोर्ट हमारे पास क्या था? कम। ऑन दी अदर हैंड उनके पास पब्लिक सपोर्ट क्या था? ज्यादा। तो आप पब्लिक सपोर्ट जब उनका ज्यादा था, दे वॉन द इलेक्शंस एंड वी लॉस्ट द इलेक्शंस। इमेज प्रॉब्लम, इमेज प्रॉब्लम में आप क्या बताओगे बेटा? आप ये बताओगे, ये नहीं बोलोगे कि उनकी शक्ल गंदी थी, आप ये बोलोगे शक्ल भी गंदी थी, लेकिन ये मसला था कि जो मुसलमान थे वो मुसलमानों का ये मसला था कि मुसलमान खुद क्या थे? बहुत अमीर थे, देवर रिच। जब वो अमीर थे तो वो लोग क्या करते थे? जो पुअर लोग थे, जो पुअर पीपल थे, उन पे फोकस नहीं करते थे। जब वो पुअर पीपल पे फोकस नहीं करते थे और वो सिर्फ अमीरों पर फोकस करते थे, तो लोगों को गुस्सा आया कि यार हम इसको क्यों वोट करें, ये गरीबों का तो सोच नहीं रहा। एंड एआईएमएल वर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि उस वक्त तक जिना वॉज नॉट रेडी फॉर सेपरेट होमलैंड, जिना अभी तक रेडी नहीं थे। तो कुछ कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी लॉस्ट द इलेक्शंस, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनाइज नहीं थे। तो फर्स्ट इलेक्शन ऑफ एआईएमएल पब्लिक सपोर्ट कम था, इमेज प्रॉब्लम थी, एआईएमएल ऑर्गेनाइज नहीं थे, दैट्स व्हाई वी लॉस्ट द इलेक्शंस। आज तक ऐसा वाहियात सवाल पेपर में नहीं आया, लेकिन मैंने आपको बताया भाई कि बेटा नया सवाल आएगा पेपर के अंदर, फिर आप लोग रोते रहोगे कि सर आपने नहीं करवाया था, इसलिए हमने नहीं करा, हम इसलिए हार गए या हम इसलिए फेल हो गए। तो इसलिए बेटा ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, क्वेश्चन बाय MYM, और ये बात, ये पुराने नोट्स है, इस पुराने नोट्स के अंदर आप लोग मेरा देख लेना, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट 2020 में आया। मैं इसमें कोई फ्लेक्सिंग नहीं कर रहा, लेकिन बात ये बता रहा हूँ कि 2021 के अंदर सवाल आया एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट, वही सवाल इसके अंदर क्वेश्चन बाय MYM के अंदर था। इसी तरीके से पूरा एक 14 मार्क का सवाल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आया, वो हमारे पास उसमें था। तो कभी कभी क्वेश्चन बाय MYM भी आ सकता है, तो बेहतर ये कि हम हर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि एग्जामिनर जब हमें दे तो एग्जामिनर हमें फोड़ने की कोशिश करे तो हम उसको क्या करते हैं, हम ऐसी की तैसी करके आ जाए एग्जामिनर की। तो व्हाई मुस्लिम्स आर डिफीटेड इन द इलेक्शन, इट वॉज द फर्स्ट मेजर इलेक्शन ऑफ एआईएमएल एज अ मास पार्टी, मुस्लिम लीग कुड नॉट विन सीट्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, बिकॉज द मेजर पार्टी वॉज कांग्रेस, द कांग्रेस वॉज मोर ऑर्गेनाइज एंड ओल्डर पार्टी देन मुस्लिम लीग, एंड इट वॉज हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ मेजर लीडर्स देन द कांग्रेस लीडर्स, द मुस्लिम पार्टी वॉज स्प्रेड बिकॉज मेनी मुस्लिम्स वर स्टिल वर्किंग इन कांग्रेस, द लीग हैड एन इमेज प्रॉब्लम बिकॉज मेनी ऑफ देयर लीडर्स वर वेल्दी व्हाइल द कॉमन मुस्लिम्स वर पुअर एंड इलिटरेट एट दैट टाइम, सो दे वोटेड फॉर कांग्रेस। इसका छोटा सा आंसर है, ताकि अगर आ जाए, अगर आ जाए तो आप अटेम्प्ट करने के क्या हो, काबिल हो। तो जिस बच्चे को यहाँ तक की कहानी समझ आ गई वो सुकून करे, जिस बच्चे को समझ नहीं आई वो मुझे बता सकता है कि सर मुझे समझ नहीं आई। चले अब हमारे पास है, देखिए हाउ सक्सेसफुल वर द 1937 19 इलेक्शंस, एक्सप्लेन योर आंसर। 10 मार्क का भी आ सकता है, 14 मार्क का भी आ सकता है। सवाल आएगा प्रोविंशियल इलेक्शंस ऑफ 1936 से 37 कितने हद तक सक्सेसफुल थे। अब आपको ये बात बताइए कि सक्सेसेस के अंदर हमें क्या लिखना होता है, सक्सेसफुल वाले सवालात के अंदर हमें सक्सेसेस लिखने होते हैं, एंड देन हमें क्या लिखना होता है, फेलियर। तो हम सक्सेसेस फॉर हिंदूज बताएंगे, सक्सेसेस फॉर मुस्लिम बताएंगे, और फेलियर ऑफ इंडियंस ओवरऑल बताएंगे कि इंडियंस के लिए क्या फेलियर था इलेक्शन की वजह से। इलेक्शन कौन जीता? हिंदूज। तो आप क्या बताओगे हिंदूज के लिए क्या सक्सेस था? दे वॉन मेजोरिटी इन 5 प्रोविंसेस,
एट प्रोविंसेस के अंदर उनकी कैबिनेट्स बन गई, तीन के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट थी मिलाकर, और पांच प्रोविंसेस के अंदर मेजोरिटी, आठ प्रोविंसेस के अंदर उनकी कांग्रेस वो बन गई। उन्होंने जो वादे करे थे, जैसे आरटीसी में गांधी ने कहा था कि मैं पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ, उसने भरम से कहा था, तो वो उसने अपनी बात प्रूफ करके दिखाई, वो इलेक्शन जीत के दिखाए, तो दे वर एबल टू ये क्या कर सकते थे, दे वर एबल टू वो चीज शो कर सके, कि वो शो करने में कामयाब हो गए कि दे आर द सोल पार्टी विच आर रिप्रेजेंटेटिंग इंडियंस, जो इंडियंस को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पांच प्रोविंसेस के अंदर मेजोरिटी, आठ प्रोविंसेस के अंदर कैबिनेट, तीन में कोलिशन गवर्नमेंट थी मिलकर रूल कर रहे थे, पांच प्रोविंसेस के अंदर मेजोरिटी थी, एंड दे वर एबल टू शो दैट वी आर द ओनली पार्टी दैट रिप्रेजेंट इंडियंस, तो इस बात में भी वो कामयाब हो गए। उनका ये क्लेम था कि हम लार्जेस्ट पार्टी हैं, वो क्लेम भी उन्होंने शो कर दिया। आप ये बताओगे, हिंदूज रिवेंज ले सकते थे मुसलमानों से और उनको दबा सकते थे, क्यों? क्योंकि वो लोग इलेक्शन जीत गए। सर क्यों बदले ले सकते थे? आरटीसी में, जैसे जिन्ना ने आरटीसी में गांधी की बेइज्जती करी थी, क्या बेइज्जती करी थी बेटा, कि तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते, तुम पूरे हिंदू इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे, तुम सिर्फ हिंदूज को रिप्रेजेंट करते हो, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये हिंदूज के लिए क्या था, सक्सेसफुल। तो सक्सेस फॉर हिंदूज, वन मेजोरिटी इन फाइव प्रोविंसेस, आठ प्रोविंसेस के अंदर कैबिनेट्स, सोल पार्टी जो वे लोग क्लेम करते थे, जो वादे करते थे, वो उन्होंने करके दिखाया। क्लेम ये था कि वी आर द लार्जेस्ट पार्टी, वो भी उन्होंने प्रूफ करके दिखाया। उन्होंने हिंदूज किससे बदला ले सकते हैं, मुसलमानों से बदला ले सकते हैं, जो कि उनके साथ गलत उन्होंने करा, क्योंकि अब कांग्रेस रूल जब आप पढ़ोगे तो उसमें हम जुल्म ही करेंगे। फिर हमारे पास है सक्सेस फॉर AIML, आप ये बताओगे इससे हमारी यूनिटी बढ़ गई। आपके जैसे आपके स्कूल में इलेक्शन हो रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो इलेक्शन से यूनिटी बहुत बढ़ती है, आपकी दोस्ती यारी बहुत बढ़ती है। आपके स्कूल में इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, कोई वो हो रहा है वहां पे प्रॉपर कैंपेन्स चल रही है, तो आपके दोस्त बढ़ेंगे, आप एक दूसरे से मिलोगे, आपके जो जो वोट लेने आ रहा है वो आपको कहेगा कैंपेन में मेरे साथ आओ, तो उससे आपकी उससे बातचीत अच्छी होगी, तो यूनिटी बढ़ेगी। जब लोग साथ मिलके काम करेंगे तो देवर ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज वैसे नहीं थे लेकिन बाद में ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए, क्योंकि उससे एक अफेक्ट आ रहा था। फिर ये बताओगे कि उन्होंने चीजें सीखी कि इलेक्शन कैंपेनिंग कैसे होती है, जैसे अगर मैं एक बच्चे को खड़ा कर दूं, अब उसको इलेक्शन कैंपेनिंग नहीं करने आती और वो हार जाता है, लेकिन अगली दफा वो सीखेगा, अगली दफा वो क्या सीखेगा कि इलेक्शन कैंपेन होती किस तरीके से, किस तरीके से चीजों को पोर्ट्रे किया जाता है, क्या चीजें बोली जाती हैं अपनी कैंपेन्स के अंदर, किस तरीके से इंटरेक्शन होता है बच्चों के साथ, क्या लगाया जाता है, पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद फिर क्या किया जाता है, बच्चों को कोई चीज इस तरीके से घेरा जाता है कि वो हमें क्या करना शुरू कर दें, सपोर्ट करना शुरू कर दें, फिर ये देखा जाता है कि आपके दोस्ती यारी कितनी है, वो सारी चीजें देखी जाती है। तो हमारे पास क्या है कि उन्होंने चीजों को सीखा कि किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरीके से, और तो वो हार गए लेकिन एटलीस्ट वो सीख गए। फिर आप ये बताओगे उनको ये बात पता चल गई कि जो मेजोरिटी एरिया है ना उसमें हमारा सपोर्ट कम है और जो माइनॉरिटी एरिया है उसमें सपोर्ट ज्यादा है, मतलब ये लोग समझ रहे थे कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है उसमें हम इजिली जीत जाएंगे, उसमें लोग नहीं जीत पाए, तो इनको ये बात पता चल गई ये मुसलमान हमसे खफा है, मुसलमान हमसे नाराज है, तो इन्होंने क्या करा उसमें वर्किंग करना शुरू कर दी, मुसलमानों के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर दी कि मुसलमानों को हम अपनी तरफ किसी भी तरीके से लाए। फिर इनको ये पता चल गया कि हमारा इमेज प्रॉब्लम है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी इमेज प्रॉब्लम को सॉल्व करा, और इसी लेसन को सीखते 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 दे वर सक्सेसफुल इन द इलेक्शन ऑफ 1945। तो ये AIML के हिसाब से सक्सेस था, वो किसके हिसाब से सक्सेस था, हिंदूज के हिसाब से, मतलब कांग्रेस। अब इंडियंस के हिसाब से क्या फेलियर है आप ये बताओगे, अगर हम देखें, अच्छा यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, और अगर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वो चिल करे, हम फेलियर ऑफ इंडियंस करेंगे, इसके बाद हम इसका शॉर्ट आंसर देखेंगे, और उसके बाद मैं आप लोगों को ऑफ दे दूंगा, क्योंकि आजकल आपको पता है क्लास के अंदर बच्चे कम आ रहे हैं क्योंकि मिड्स है, तो हमारे पास मिड्स पे थोड़ा सा फोकस ज्यादा है, हम आप पे ज्यादा बर्डन नहीं डालेंगे, तो आज मैं ये टॉपिक खत्म करा के ऑफ कर दूंगा। अच्छा किसी को भी कोई मसला है तो पूछ सकता है। अब हमारे पास है फेलियर ऑफ इंडियंस, फेलियर ऑफ इंडियंस के अंदर आप क्या बताओगे कि हमारे पास आफ्टर इलेक्शन कांग्रेस ने क्या करा, हमें सप्रेस करा, कांग्रेस ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म करा, जब कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत ज्यादा जुल्म करा तो मुसलमानों के रिलेशंस क्या हो गए, खराब हो गए, मुसलमानों के रिलेशंस बेटा किसके साथ खराब हो गए, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस रूल हमारे साथ इतना ज्यादा उसमें वो जुल्म होगा कि आपकी सोच है। तो आप क्या लगाओगे आफ्टर इलेक्शंस कांग्रेस ने बहुत ज्यादा वो करा, तो ये एज अ फेलियर इंडियंस का क्यों फेलियर है, क्योंकि हमारी यूनिटी खत्म हो, मुसलमानों का जो क्लेम था कि वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स, तो वो 489 मुस्लिम सीट्स में से सिर्फ 109 जीते, तो वो फेल हो गए,
मतलब वो जो वादे कर रहे थे कि वी आर द, जैसे जिन्ना ने ये कहा था कि सिर्फ आप हिंदूज को रिप्रेजेंट करते हो, मैं मुसलमानों को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। 489 मुस्लिम सीट्स में से सिर्फ 109 सीट्स अगर आप जीत रहे हो, तो आपका क्लेम जो आपने करा था वो तो आप फेल हो गए। जैसे हिंदूज ने कहा कि वी आर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, सो देवर सक्सेसफुल इन क्लेमिंग दैट, वो सक्सेसफुल थे, हम फेल हो गए। फिर आप ये बताओगे मुसलमानों को ये लगा कि देवर बीट्रेड बाय ब्रिटिश, उनको ये लगा कि ब्रिटिश उनको राइट्स कम दे रहा है, जिसकी वजह से ब्रिटिश और उनके रिलेशंस क्या हो गए, थोड़े से खराब हो। तो ये हमारे इंडियंस के साथ क्या है, फेलियर है। क्या अगर हम सक्सेसफुल इलेक्शंस में देखें तो फेलियर क्या है, और हमें ये लग रहा था कि इलेक्शन में फेवर किसको मिला है ज्यादा, ब्रिटिश ने किसको फेवर दे दिया है, हिंदूज को, तो इसलिए उनके मुसलमानों के साथ रिलेशन क्या हो गए, खराब। अब हम इसका आंसर देखते हैं कि सर इसका आंसर किस तरीके से हमें लिखना है और आंसर इसका किस तरीके से आएगा, सवाल किस तरीके से आएगा। देखो बेटा इसका सवाल आएगा, हाउ सक्सेसफुल ओवर द 1937 इलेक्शन, एक्सप्लेन योर आंसर नवंबर 2019, और ये नवंबर 2016, हाउ सक्सेसफुल ओवर द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ नाइन हेल्ड इन इंडिया इन 1937, एक्सप्लेन योर आंसर। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, फॉर हिंदूज इट वॉज सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट, कांग्रेस वन मेजोरिटी इन फाइव प्रोविंसेस एंड लार्जेस्ट सिंगल पार्टी इन फोर अदर्स, थ्री अदर्स, यहाँ पे फोर लिखा हुआ है, थ्री अदर्स। सॉ देमसेल्व्स एज अ सोल पार्टी रिप्रेजेंटिंग इंडियंस लेड टू फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट इन एट प्रोविंसेस, आठ प्रोविंसेस के अंदर उनकी कैबिनेट बन गई। हेंस इट वेरीफाइड द क्लेम दैट कांग्रेस वाज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड फेवर्ड। आफ्टर लखनऊ पैक्ट मेनी थिंग्स हैपेंड व्हिच क्रिएटेड फीलिंग ऑफ हेटेड इन कांग्रेस अगेंस्ट एआईएमएल, डिफरेंट एम्स इन खिलाफत मूवमेंट, ओपोजिशन टू नेहरू रिपोर्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग आरटीसी, इंक्रीज कम्युनल टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। नाउ हिंदूज हैड एन अपॉर्चुनिटी फॉर कांग्रेस टू टेक रिवेंज फ्रॉम एआईएमएल, तो ये किसके सक्सेसेस हो गए, हिंदूज के, एआईएमएल के। फॉर मुस्लिम्स इट वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल टू सम एक्सटेंट, इट वॉज अ मेजर इलेक्शन, इट वॉज द फर्स्ट मेजर इलेक्शन फॉट बाय मुस्लिम लीग एंड हेल्प टू यूनिफाई द मुस्लिम लीग, लेड टू इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, लर्न दैट दे सपोर्ट लेन एरियाज वेयर मुस्लिम्स इन माइनॉरिटी रेदर देन इन मेजोरिटी, इट वॉज अ सक्सेस फॉर द मुस्लिम लीग एज इट इनेबल्ड देम टू रिकॉग्निशन ऑफ एन इमेज प्रॉब्लम एज इट्स लीडर्स वर सीन एज नॉट इन टच विद ऑर्डिनरी मुस्लिम्स, इन लेटर ईयर्स दे वर्क ऑन दिस एंड वर एबल टू टेक द लीड इन द इलेक्शन ऑफ 1945, कि 1945 के इलेक्शन में क्या हो गई, उनको लीड हो गई, तो ये उनका क्या है, सक्सेसेस है। हाउएवर दीस इलेक्शंस वर अ फेलियर एज वेल, कांग्रेस वाज एबल टू विन मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स बट एलिनेटेड द मुस्लिम लीग आफ्टर द इलेक्शन, सच बिहेवियर रिजल्टेड इन डिफिकल्टीज इन फ्यूचर नेगोशिएशंस एंड रिमूव्ड एनी चांस ऑफ फ्यूचर टुगेदर, हेंस एटीट्यूड ऑफ कांग्रेस एंड नेहरू हार्डेंड मुस्लिम व्यूज टुवर्ड्स अ सेपरेट नेशन, कांग्रेस यूज्ड इट्स न्यू पावर्स टू फर्दर अपसेट मुस्लिम ड्यूरिंग कांग्रेस रूल, मतलब उन्होंने हमें सही तरीके से तंग करा। उसके बाद आप क्या बताओगे, रिलेटिव पुअर परफॉर्मेंस इन द इलेक्शंस, आउट ऑफ 489 मुस्लिम सीट्स द मुस्लिम लीग वन 109, इवन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज सच एज पंजाब, आउट ऑफ 86 मुस्लिम सीट मुस्लिम लीग वन वन एंड अदर्स टेकन बाय पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी व्हिच वाज अ हार्ड ब्लो फॉर मुस्लिम लीग एज इट क्लेम टू बी द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। आपको याद होगा हम हर दफा बोलते थे पंजाब और बंगाल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, उधर सीट ज्यादा होनी चाहिए, तो हम वहां जीत ही नहीं पाए। Muslim felt betrayed by the British who were seen as too concerned with getting the new provincial governments running rather than being concerned with Muslim rights. Hence it deteriorated the British-Muslim relations. तो हमारे relations उनसे उनके साथ क्या हो गए, खराब हो गए। तो ये हमारे पास क्या है, हाउ सक्सेसफुल का आंसर है, और ये दोनों दफा 10 मार्क का आया हुआ है, अगर ये 14 मार्क का भी आ गया तो इसका आंसर इससे बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप इसमें इलेबोरेशन ले आते हो तो आप बड़ा कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसका आंसर बड़ा नहीं होगा, और हमारी हेड एग्जामिनर का ये कहना है, हेड एग्जामिनर नहीं सॉरी लेवल फोर एग्जामिनर का ये कहना है कि हमारे पास जितनी डिटेल्स है हम अगर उतनी भी लिख देंगे तो हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको जितना पढ़ाया उतना अगर समझ आ गया तो बेटा चिल करो, और अगर नहीं समझ आया तो आप लोग पूछ सकते हो, समझ